फास्ट ट्रैकिंग प्रोटोकॉल में इम्प्लांटोलॉजी में आपको देखना है इम्प्लांट की एंगुलेशंस बैंग ऑन होनी चाहिए, ईपी स्प्रेड को मेंटेन रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मल्टी यूनिट्स लगाए हैं हीलिंग अबटमेंट के साथ। ये जो इम्प्लांट्स हैं मोलर से प्री मोलर से लैटरल इंसाइजर तक, और मेक श्योर दैट ऑक्लूजल एनाटॉमी ऑक्लूजल टेबल बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। बैलेंस ऑक्लूजन के साथ आप एक्सट्रैक्शंस इम्प्लांट प्लेसमेंट टू इंप्रेशंस टू जॉ रिलेशंस स्पॉट ऑन होना चाहिए। मेक श्योर दैट आप एक्सट्रैक्शंस करते हैं, मैंने इसमें टोटल 10 दांत निकाले हैं, आप देख सकते हैं ओपीजी में 10 दांत निकाले हैं। बकल और लिंगल कॉर्टिकल प्लेट को मेंटेन रखना है, मेक श्योर दैट द एक्सट्रैक्शन एटोमेटिक होना चाहिए। फोटोडायनामिक थेरेपी से आपको जो भी इन्फेक्शन है वो निकालना है, और सबसे जब देख ही सकते हैं यहाँ पे जो फॉल्टी ब्रिजेस थी मैंने निकाली हैं, और बाकी के जो दांत है उसको एटोमेटिकली निकालना है। ध्यान रखिए। चीयर्स।